जिसको है ये यूट्यूब चैनल का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश कोचिंग अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत जो है हमारे कार्यालय में कोचिंग पंजीकृत नहीं है, अवैध रूप से चल रही थी, इसलिए इसको लॉक किया गया है। इससे कुछ पहले कुछ लड़ाई झगड़े का भी मामला सामने आया था? नहीं, इस तरह का पेपर के माध्यम से पता चला था, तो इसकी जानकारी जो है अपर जिलाधिकारी नगर को दे दी गई थी और थाना कर्नलगंज को भी दे दी गई थी। ये है कि हम लोग जब कोचिंग से उतरे नीचे क्लास छूटने के बाद, तो आपस में जो आए थे यूनिवर्सिटी के छात्र जो थे और जो संचालक महोदय थे, उनमें आपस में कहा सुनी हो रही थी, फिर गाली गलौज जो भी हुआ, फिर और बाद में यहाँ तक कि मारपीट का भी नौबत हो गया, उसमें कुल मिला के हम ही लोगों का हाथ है। चाहे कोचिंग वाले अपना कोचिंग बंद करें या वो बंद करें, लेकिन उसमें छात्रों का ही हान होगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का जो करियर है उन करियर को लेके अगर बंद किया जा रहा है कोचिंग, तो वो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये किया जाए कि कोचिंग को चालू किया जाए और जो भी हो, जो गलत हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ ऑफिस में बहस वहस हुई, बाहर निकले और फिर सर जी ने बात हो रही थी, इसमें लड़के थे, लड़कों ने चिल्ला के यूनिवर्सिटी वाले से बहस कर लिए, उसी में बहस होने लगी। उसके बाद फिर पुलिस को यूनिवर्सिटी वाले खबर दिए, पुलिस आई, यहाँ पर बातचीत हुई, उसके बाद फिर यही कोचिंग बंद कराने की मांग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले। अपना जो भी अंदर किए हों, भाई फारूक से चाहे गाली गलौज के चाहे उनको मारे हों, तो अपना अंदर